हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 8.2 में यूज होने वाला कुछ फार्मूला। उस फार्मूला को कैसे निकालते हैं, बस आपको याद नहीं करना, आपको बस समझना है। अगर आप ईमानदारी से समझते हैं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको यहाँ पे 15 फार्मूला हम आपको निकाल के यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो इस फार्मूला को जानने से पहले आपको ये कुछ बेसिक जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन, ये जो भी रेशियो दिया हुआ है ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस 15 क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बिना ये एक्सरसाइज 8.4 है वो बिल्कुल हिलने वाला भी नहीं है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक और अच्छे से देखें आप, तो ही आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो इसको जानने से पहले हम आपको बता दें कि ये समकोण त्रिभुज के बारे में हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें ये यहाँ से देखने पर ये लंब होता है। लंब मतलब पी, पी मतलब होता है परपेंडिकुलर। यहाँ से ये हो जाएगा आपका बेस, यानी कि बी हो जाएगा, और ये होता है एच, यह हाइपोटेन्यूस होता है। हम लोग को पता है ये, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको पहले देख लें। देखिए, तो यहाँ पे पाइथागोरस का एक फॉर्मूला आता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, सॉरी, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, यानी कि जब कर्ण होगा तो अन्य दो भुजा कौन होगा, लंब होगा और आधार होगा, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्ण, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक, इसके सामने वाला ये लंब, ये कर्ण होता है। तो कर्ण यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण हमारा क्या है, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस यही है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एसी, यानी कि एसी स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे लंब, जब ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये पी परपेंडिकुलर, यानी कि पी हो जाएगा, यानी कि पी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी का, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार, आधार क्या है, यह बी सी है, इस तरह से ये बी सी का स्क्वायर हो गया। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये ए सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब ये 15 फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो देखिए आप पहले इस समस्त पदों में आप ए सी स्क्वायर से भाग करेंगे, ए सी स्क्वायर से भाग करते हैं तो आपको 5 मिलेगा, फिर आप ए बी स्क्वायर से भाग करते हैं समस्त पद में तो 5 और मिलेगा, कितना हुआ, 10 हो जाएगा। फिर आप लास्ट बी सी से फिर समस्त पद में आप भाग करेंगे ना तो आपको 5 और मिल जाएगा, टोटल 15 फॉर्मूला निकलेगा, और वो टोटल 15 फॉर्मूला जो होगा ये एक्सरसाइज 8.4 में यूज होगा। देखिए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम लोग शुरू करते हैं एसी से, यहाँ पे लिखते हैं एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर से भाग देने पर, या ऐसे भी आप लिख सकते कि एसी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एसी स्क्वायर बटा किससे भाग करना है, एसी से, इसलिए हो जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल ये होगा ए बी स्क्वायर, किससे भाग दे रहे हैं आप, एसी से, एसी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर, किससे भाग देना है, एसी से। तो इस तरह से हम समस्त पदों में देखिए एसी स्क्वायर से भाग कर दिए, तो ये एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर कैंसिल एक हो जाएगा। अच्छा, ए बी इसको दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से 1 इक्वल ए बी, ए बी के लिए आप क्या लिखेंगे, पी, ऊपर हो जाएगा P अपॉन AC, यहाँ पे देखिए, तो AC के लिए आप क्या लिखेंगे, H,
एच इसका स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे देखिए बी सी, तो बी सी के लिए क्या है बी है, इस तरह से आप बी हो जाएगा। ए सी के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए सी क्या है एच है, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे वन इक्वल पी बाई एच। अब बताइए क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे देखना आपको P by H क्या होता है साइन थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा जो होता है वो P by H के जो रेशियो होता है उसी को हम लोग साइन बोलते हैं। तो P by H की जगह पे क्या लगा देंगे साइन लगा देंगे, साइन लगा देंगे, स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर थीटा प्लस B by H, देखिए यहाँ पे B by H क्या है कॉस है, तो इसलिए यहाँ पे आप लगाएंगे कॉस स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर थीटा कर देंगे। इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला निकल गया। दूसरा यदि आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वन ये साइन स्क्वायर प्लस में इधर आकर माइनस, इसको ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से कितना हुआ ये दो हुआ, यानी कि ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आकर क्या बनता है रूट बन जाता है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा रूट हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन लिफ फोर क्या होगा साइन थीटा हो गया, कितना हो गया तीन फॉर्मूला निकला। अब अगर आप चाहते हैं कि दो और निकाले तो देखिए यहाँ पे वन सेम था, यहाँ पे कॉस को इधर किए थे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ था और साइन को ऐसे छोड़े थे, अब यहाँ पे कॉस को इधर छोड़ देते हैं और साइन को इसका पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा वन ये देखिए साइन इधर साइन प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल अब इधर क्या बच जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये स्क्वायर आकर इधर क्या बताइए ये कितना नंबर हुआ ये एक दो तीन और ये हो गया चार, अब पांच नंबर क्या होगा ये स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाता है, ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से कितना फॉर्मूला हुआ टोटल पांच निकला। किस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने एसी से भाग किया तो कितना फॉर्मूला निकाले पांच निकाल दिए, यानी कि आपसे कोई पूछता है ये फॉर्मूला यूज होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे वन, फिर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो साइन स्क्वायर थीटा, कभी इसके जगह पे इतना रखना होता है और इसके जगह पे इतना रखना होता है, जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो होगा यूज होता है, ये साइन स्क्वायर इक्वल क्या होता है रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हुआ ये पांच टोटल फॉर्मूला हुआ। तो ए सी स्क्वायर से भाग की तो पांच निकला। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी स्क्वायर से भाग देने पर किस तरह से और हम लोग पांच निकालते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब हम लोग ए बी स्क्वायर से भाग करते हैं, तो अभी हमने लिखा था कि ए सी स्क्वायर से भाग दिया तो कितना निकला पांच निकला। अब हम लोग ए बी से समस्त पदों में भाग करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या है ए सी, ए सी स्क्वायर किससे भाग करने की बात की जा रही है ए बी से, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर इक्वल क्या है ए बी, ए बी स्क्वायर किससे भाग करना है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर किससे भाग करना है ए बी स्क्वायर से। इस तरह से आप देखिए कि समस्त पदों में हमने किससे भाग किया ए बी स्क्वायर से, इसके पहले वाले हमने पहले वाले में किससे भाग कर रहे थे ए सी स्क्वायर से, अब किससे किए ए बी स्क्वायर से, सब में ए बी स्क्वायर से भाग कर दिए। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे दोनों अभी तो नहीं कट सकता है क्योंकि ऊपर ए सी और नीचे क्या है ए बी है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का पावर है तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते ए सी बटा ए बी इसका स्क्वायर इक्वल ये दोनों ए बी कट जाएगा, यहाँ भी ए बी स्क्वायर है यहाँ भी ए बी स्क्वायर है तो ये कट सकता है, ये हो जाएगा कट के वन प्लस यहाँ पे ये भी नहीं कटने वाला ऊपर बी सी और नीचे क्या है ए बी है तो ये नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे बी सी अपन में क्या होगा ए बी यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिएगा ए सी, तो ए सी के लिए क्या लिखना हमको एच लिखना है,
तो यहाँ पे लिख देंगे एच अपॉन ए बी के लिए क्या लिखना है यहाँ पे, ए बी क्या है पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, इसलिए होगा पी स्क्वायर, ये वन का वन प्लस बी सी क्या होगा, बी सी आप देखिए क्या है बेस, यानी कि बी हो जाएगा अपॉन ए बी, ए बी क्या है पी हो जाएगा, तो इस तरह से पी हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, तो एच बाई पी। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे एच बाई पी किसका होता है, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एच बाई पी किसका होता है कॉसेक का, इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर थीटा कर देंगे इक्वल वन प्लस बी बाई पी, यहाँ पे देखिए बी बी बाई पी, तो बी बाई पी किसका होता है कॉट का होता है, तो यहाँ पे बी बाई पी क्या लगा देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, इस तरह से हम यहाँ से एक फॉर्मूला हम बना दिए, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा। अब इसी से हम लोग और पांच निकालेंगे, कैसे यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं पहले हम कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना हुआ अभी एक हुआ, अब हम इससे बनाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वन प्लस में है, आप इसको इधर लाए साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा वन इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, इस तरह से हमारा ये एक नंबर था, ये कितना हो गया दो, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा ये कॉट स्क्वायर है इधर आकर क्या होता है रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल क्या मिलेगा आपको कॉट थीटा, कितना नंबर हुआ ये तीन हुआ, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो इस तरह से ये तीन हुआ। अब एक काम करते हैं यहाँ पे चौथा नंबर बनाने के लिए, ये यहाँ से भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल है स्क्वायर अगर इधर हो जाएगा रूट, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे एक ये भी दो हो जाएगा, ये दो ये तीन कर देंगे, ये आपका चार हो जाएगा, और पांच नंबर हम यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं, देखिए ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वन प्लस में था इधर हम माइनस किए, अब एक काम कीजिए आप कॉट प्लस में इधर आप इसको माइनस कीजिए, ये कॉट प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो इस तरह से कितना हुआ पांच हो गया। यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पहला, जो कि हमने यहाँ से निकाला, फिर इसी को आप ऐसे करेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर वन, इसी को अंदर डाल देंगे वन प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर यहीं से यहाँ पे देखिए कॉसेक इसको हमने यहाँ पे उतार दिया, सेम यहाँ पे उतार दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का वन है इधर क्या हो जाएगा माइनस वन, इधर क्या बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, अब ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट, आपको पता होना चाहिए कि एलएचएस में अगर स्क्वायर है जब उसको आरएचएस में करते हैं तो जाकर रूट बन जाता है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है इधर आकर क्या हो गया रूट, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाता है इक्वल वन फोर कॉट होगा, और फिर यहीं से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा ये कॉट स्क्वायर प्लस में इधर कितना माइनस हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल वन हो जाएगा, तो इस तरह से तीन हो तीन यहाँ पे है और दो यहाँ पे पांच यहाँ पे हुआ, कितना हुआ टोटल दस हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि बी सी से किस तरह से भाग करके पांच और हम लोग निकालते हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट कर लें। अब हम लोग ए सी स्क्वायर से भाग कर दिए, ए बी स्क्वायर से भाग करके हमने दस निकाल दिया, अब हम लोग बी सी स्क्वायर से भाग करके तो पांच और निकलेगा, देखिए अब लिखते हम लोग यहाँ पे बी सी स्क्वायर से समस्त पदों में भाग करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ए सी है, ए सी स्क्वायर किससे भाग करना है बी सी से, तो बी सी स्क्वायर इक्वल यहाँ पे क्या है ए बी स्क्वायर किससे भाग करना है बी सी से, बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है बी सी स्क्वायर, इसमें किससे भाग करना है बी सी स्क्वायर से, तो इस तरह से हमने तीनों पदों में किससे भाग किए बी सी स्क्वायर से, तो यहाँ पे देखिए ये तो नहीं कटेगा, इस तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी अपॉन में बी सी स्क्वायर दोनों का है, दोनों का आप स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे ए बी बाटा बी सी दोनों का स्क्वायर है
इसका भी स्क्वायर कर लेंगे प्लस यहाँ पे देखिए बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा वो क्या जाएगा वन। तो एसी आप देखिए यहाँ पे बार बार वही कर रहा हूँ, एसी के लिए क्या लिखेंगे एच लिखेंगे आप, हो जाएगा एच अपॉन बीसी के लिए क्या लिखेंगे बी, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे इक्वल ए बी क्या है पी, बी सी क्या है बी, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन का वन रहेगा। अब देखिए h बाई बी यहाँ पे ध्यान देंगे h बाई बी किसका होता है, h बाई बी क्या होता है sec का होता है, तो h बाई बी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग sec लिख देंगे यहाँ पे sec, स्क्वायर चल रहा है इसलिए स्क्वायर थीटा कर देंगे इक्वल p बाई बी, तो p बाई बी आपको तो पता है क्या होता है टेन का, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे थीटा प्लस वन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला निकाल लिया। अब दूसरा के लिए आपको क्या करना है कि स्क्वायर है स्क्वायर को आप पचांतर कर लें, पच को चेंज करना आपको, तो ये हो जाएगा सेक थीटा स्क्वायर इधर आकर क्या बनेगा रूट, हम बता रहे हैं कि स्क्वायर आकर इधर क्या बनता है रूट बन जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन कितना हुआ दो हो गया। अच्छा अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा ये टेन स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बचेगा इधर वन, तो एक दो और ये इतना हुआ तीन नंबर हो गया, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है वन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 10 को इधर माइनस किए थे अब 10 को वहीं पे रहने देते हैं, अब 1 को इधर साइड इसका चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 10 को इधर छोड़ना है आप 1 प्लस इधर आकर माइनस 1 इक्वल क्या बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से कितना हुआ ये चार नंबर हुआ, कितना हुआ चार नंबर हुआ। और पांचवा नंबर आपको करना क्या है ये स्क्वायर को इधर भेज देना है, तो यहाँ का क्या होगा रूट हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल क्या होगा टेन स्क्वायर सॉरी स्क्वायर नहीं ये स्क्वायर ही तो आकर इधर रूट हुआ ना, तो रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इस तरह से कितना फॉर्मूला हुआ टोटल ये 15 हुआ, यानी कि पहले आप ए सी स्क्वायर से भाग किए तो 5 मिला, फिर ए बी से भाग किए तो 5 मिला और BC से भाग किए तो 5 मिला, टोटल कितना हुआ 15 हुआ। यदि आप इस फॉर्मूला को याद नहीं करना आप एक दो बार इसे बना लेंगे आपको याद हो जाएगा, अगर यदि याद हो जाता है तो आपके जो क्वेश्चन होगा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद कर लेंगे और इसको बार बार देखें, एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य आपको याद हो जाएगी। यदि किसी प्रकार कोई इसमें दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, धन्यवाद। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें।